देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को दो भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं, वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी, और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा, और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें, और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहां पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी, यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की स्थिति में रहें। साथ ही वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे, और अगर वह नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं, और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में, और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया, और उसमें से 10 पैसेंजर्स RT-PCR पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक पर शेयर जरूर करें। नमस्कार।